दोनों हाथों को घुटनों पर लगाएं, लंबी गहरी श्वास भीतर लें, लंबी श्वास बाहर निकालें। बिना नाक को हाथ लगाए ऐसा महसूस करें कि कौन सा स्वर मेरा जागृत है। उसी स्वर पर पूर्णता ध्यान लगाते हुए अपनी श्वास को देखने का प्रयास करें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देख लें। अपनी श्वास के टेम्परेचर को महसूस करें। हल्की ठंडी वायु भीतर आ रही है, हल्की गर्म वायु बाहर जा रही है। श्वास के तापमान को महसूस करते हुए आपका जो सबसे लुभावना रंग है, जो आपका फेवरेट कलर है, ऐसा अनुभव करें आपकी श्वास उसी रंग की हो गई है। अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए उसी रंग की श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। श्वास की गहराई को नासिका के अग्र भाग से लेकर नाभि तक महसूस करें। धीरे धीरे श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। शरीर के हल्केपन को महसूस करें। अपने शरीर के आकार और आकृति के प्रति सजग हो जाएं, साइज और शेप के प्रति कॉन्शियस हो जाएं। जैसे ही आप थोड़े से सजग होंगे, शरीर का हिलना डुलना तुरंत बंद हो जाएगा। अपने शरीर को मूर्ति की तरह स्थिर कर लें। शरीर का कोई भी हिस्सा हिलने ना पाए आपके आज्ञा के बिना, ऐसा दिशा निर्देश करें। जब आप चाहें, जिस हिस्से से आप चाहें, तभी आपका शरीर हिले। जैसे आप मेरी बात को सुनकर मान रहे हैं, ऐसे ही आपका शरीर और बाद में आपका मन आपकी बात को सुनकर उसे मानेगा, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। जिस तरह के मन में विचार लाना चाहें, वैसे ही मन में विचार आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही अवचेतन मन सबकॉन्शियस मन में एक गोता लगाएंगे, जिस तरह के मोती खोजना चाहते हैं वैसे ही खोज पाएंगे। जिस विचारों की उत्पत्ति मन में चाहते हैं, वैसे ही विचार मन में उत्पन्न हो जाएंगे। पूरे शरीर और पूरे मन की शक्ति को श्वास के लेने और श्वास के छोड़ने पर केंद्रित रखें। हर एक श्वास में श्वास की गहराई को महसूस करें। श्वास की गति को धीमा और धीमा और धीमा करते जाएं। कुछ समय बाद ऐसा हो कि श्वास की आवाज़ भी खुद को सुनाई ना देने लगे। अभी तक तो बगल में बैठे हुए की भी आवाज़ श्वास की सुनाई देती थी, लेकिन अब अपनी खुद की श्वास की आवाज़ भी गायब हो गई है। यह ध्यान के मार्ग पे सफलता का पहला कदम है। अगर आप इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप स्वयं ही जान सकते हैं कि मेरी सफलता
इस मार्ग पर कितनी होने वाली है। पहली सफलता की सीढ़ी हमने चढ़ ली है। श्वास की आवाज़ को समाप्त कर दिया है, ध्वनि को ख़त्म कर दिया है। अब श्वास की गति को धीमा 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 करते जाना है। धीमे से श्वास को भीतर लें, धीमे से श्वास को बाहर छोड़ें। चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव ना आने पाए, शून्य भाव के साथ श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें। तीन बार लंबी गहरी श्वास लें। लंबी श्वास लें, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। बोलिए, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। हाँ, इसको कहते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। बोलिए, आपने यात्राएं की होंगी, अलग अलग शहर में गंगा और यमुना नदी को देखा होगा। सरस्वती को कभी नहीं देख पाए क्योंकि सरस्वती लुप्त है। ऐसे ही हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला जागृत है और सुषुम्ना लुप्त है। सुषुम्ना को जागृत करना पड़ता है। सुषुम्ना के फंक्शन अलग हैं बिल्कुल। जैसे मेरे हाथ का फंक्शन अलग है, हाथ से अलग काम करता हूँ, पैर से अलग काम करता हूँ, दोनों शरीर के हिस्से हैं। चम्मच का अलग काम, चाकू का अलग काम, कांटे का अलग काम, ऐसा होता है ना। रखे तो सभी प्लेट पे हुए हैं, टेबल पे हुए हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग है। तो चंद्र स्वर का काम अलग है, सूर्य स्वर का काम अलग है। बहुत सारे ऐसे आप जीवन में काम करते हो, आप कह रहे हो कि योगा अभ्यास तो करते हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, कुछ हो नहीं रहा। गड़बड़ स्वर में है। जो चीज़ चम्मच से खानी चाहिए आप उसके लिए कांटा यूज़ कर रहे हैं, समझ गए उसका गलती कहाँ हो रही है। गलती बेसिक गलती है, बहुत बड़ी गलती है। कहने को तो आपके हाथ में वो चीज़ है जो आपको होनी चाहिए। देखो, सब लोग खा रहे हैं, वैसे ही तो खा रहा हूँ मैं भी, लेकिन वो छेद में से सब कुछ चू रहा है, कुछ ठहर ही नहीं रहा। आप सूप पियोगे, कांटे से पी नहीं पाओगे। ऐसे समझ गए इस बात को, गलती क्या हो रही है हमारी। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे करते हैं जो आपको मुख्य मुख्य मैं बताऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। अगर आप इसको समझ गए तो एक योग की, हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी आप विद्या को समझ गए। मैं जैसे बहुत सालों से सिखाने का काम चल रहा है अभी, तो मेरी स्टूडेंट है एक नीदरलैंड में, वो कहती है एक सेंट पीटर्स आसन है। मैंने कहा ये तो ज़िंदगी में सुना नहीं मैंने कभी नाम। उसने एक आसन की फ़ोटो भेजी मेरे को, मैंने कहती है ये है। अब देखो, वो उन्होंने अब ऐसी चलाकियाँ शुरू कर दी हैं अपने ईसाइयों के संतों के नाम पे, आसनों के नाम है ना। जैसे हमारे हम कह रहे हैं पद्मासन है, धनुरासन है, पश्चिम उत्तानासन है, वो कह रही है सेंट पीटर सेंट जोसफ आसन है। मान लो सारे नाम रख दिए उन्होंने, मान लो एक मिनट के लिए, लेकिन हमारी जो विद्याएं हैं उसको कैसे जोड़ पाएंगे, उसका कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। वो जोड़ लेंगे, वो भी कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े बुद्धू हैं। हम ही अपना घर का ताला खोल के बैठे हैं, आओ ले जाओ। हम तो क्योंकि परवाह ही नहीं उसकी, हमें तो उसकी परवाह ही नहीं जो हमारे पास संपदा है। आप उसके अभ्यास नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे उस, क्योंकि अभ्यास से वो आगे बढ़ेगी ना। जैसे मैं आपको जो कुछ भी सिखा रहा हूँ, मैं कभी सोच के तो नहीं आया अभी एक मिनट पहले, अभी मैं कोई तुरंत कोई आर्टिकल तो पढ़ के नहीं आया। ये तो सालों के अभ्यास के बाद जो मेरे गुरु से मुझे मुख से जो मिल पाया और मेरी बुद्धि पे था, कितना मैं ले पाया उसका कुछ अंश आपको मैं दे रहा हूँ, समझे ऐसे आप। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत श्रद्धा के भाव के साथ वापस एक ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन। अगर आप कहोगे है नहीं हम तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे, हमें तो कोई परवाह नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो भी खोता जाएगा, अगली पीढ़ी तक हम उसको पहुँचा नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपने जो कुछ सीखा ना अपनी संस्कृति के, चलो आईटी पढ़ी, मैथ्स पढ़ा, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी, बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले दुनिया में, बहुत लोग साइंस पे कर रहे हैं काम, आर्किटेक्ट पढ़ा, बिल्डिंग उल्टी सीधी बना ही लेगा कोई ना कोई, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिस हो रही है ना हमारे जीवन से, वो यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आचरण हमारा ख़त्म हो रहा है। आप कुछ भी करते जाओ, सारा ध्यान ही पैसे कमाने में, पैसा पैसे पैसे कमाने में, बहुत सारी बातें हैं फिर ऐसी है ना। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को ना खो दो, अपने आप को खोना नहीं है।
अपने आप को खोज करनी है अपने आप की, जैसे उसके दो तीन तरीके बताए आपको। फिर कुछ ऐसे काम हैं, कुछ अच्छे काम होते हैं, अच्छे नहीं कहूँगा उनको, कहूँगा ज़्यादा ताकत वाले हैं। कुछ ज़्यादा ताकत वाले काम होते हैं जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ता है। जैसे आप जिस भाव से छोटे बच्चे से बात करेंगे, उस भाव से किसी बड़े से बात नहीं करेंगे ना। बच्चे के लिए आपको सॉफ्ट होना ही पड़ता है, हो जाना ही चाहिए, तभी बच्चा आपकी उस बात को समझ पाएगा, उस बच्चे के लेवल को आप मैच कर पाएंगे। अगर आप किसी बड़े से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बच्चे से बात करते हैं, नहीं मैच नहीं कर रहा लेवल, बात नहीं जुड़ रहा ना उसके साथ। तो इसलिए हमारी एनर्जी ऐसे काम करती है। कुछ काम आपको जीवन में, अब इसका संबंध थोड़ा थोड़ा ज्योतिष से भी है, जैसे आप ज्योतिष भी ये कहता है ना कि आपके मेहनत तो कर रहे हो लेकिन काम बन नहीं, कुछ नहीं रहा, कहीं गड़बड़ है। लेकिन हम तो योग के जानकार हैं, मैं तो ज्योतिष जानता नहीं, ज्योतिष के होंगे बहुत लोग जानकार, मैं तो योग का एक्सपर्ट हूँ थोड़ा सा, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकता हूँ आपको। जैसे आपने कोई काम करना है, वैसे लड़ाई झगड़ा बुरी बात है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम सबको पता है, लेकिन अगर मान लो किसी से करना भी पड़ जाए, आपको ऐसा लग जाए आज तो इसकी खटिया खड़ी करनी है बातों बातों में ही, तो जब आप घर से निकलो या जब उस आदमी के सामने आओ, तो ये श्योर करो कि आपका दाएं स्वर, राइट स्वर जो है वो चालू है। जैसे इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, वो स्कूल के कॉलेज के बच्चे पूछते हैं इंटरव्यू में क्या करें, 100% सक्सेस रेशियो है इसका, 100%। मैंने कई स्कूल के टीचर्स को भी बताया, वो कहते हमारी प्रिंसिपल इतनी जालिम है, जब जाओ बिना बात के डांटती है। मैंने कहा अब इसको करना आपकी बात, तो गए कहते आप तो मेरे को बेटा बेटा करके बात कर रही थी आज तो। ऐसा मेरे को 100 में से 100 लोगों ने बोला, ऐसा नहीं कह सकता 99% सक्सेस है, 100 में से 100% सक्सेस। किसी पॉलिटिशियन से, किसी बड़े आदमी से, कोई ऐसा आदमी जिसका प्रभाव आपसे ज़्यादा हो, बॉस आपका ऑफिस में कहीं आप काम करते हो, उनसे मिलने जाओ, आप श्योर करो कि आपका राइट स्वर जो है ना वो जागृत है। राइट मतलब सूर्य है, क्योंकि सूर्य के आगे कौन टिक पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा ना सूर्य के आगे, सूर्य के आगे सब भस्म हो जाएगा, सूर्य की एनर्जी ताकत ही इतनी है। जैसे ही आप अपना प्रस्ताव रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे, इतनी आपकी एनर्जी होगी, ऐसी आभा होगी, ऐसी ऊर्जा होगी, आपकी बात को माननी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। अब जैसे किसी आप मित्र से मिलने जा रहे हैं, किसी बीमार से मिलने जा रहे हैं अस्पताल में, या किसी अपने चाहने वाले को मिलने जा रहे हैं, तब ये टेक्निक नहीं अपनानी, तब उल्टा करना है, तब चंद्र स्वर को जागृत करना है। नहीं तो किसी बीमार से मिलने जा रहे हो आप, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हम बीमार से मिलने तो इसलिए जाते हैं ना, उसके थोड़ा स्वास्थ्य लाभ हो, उसको थोड़ा हमारे से जाने से फ़ायदा हो। आप अपना चंद्र स्वर जागृत रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा उसको, आप थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन होंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, आराम से बात करें, हाँ कैसे, चिंता ना करो, ठीक हो जाओगे, ऐसे कहते हैं ना, वो चंद्र का काम है, वहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है। अब जब गुरु से मिलने जा रहे हो, तब सुषुम्ना जागृत करनी है। सुषुम्ना मतलब जब दोनों स्वर जागृत हैं, कुछ दान पुण्य कर रहे हो, करते हो ना कुछ मंदिर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम दान बहुत करते हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा उसका, गलती सबसे बड़ी वहाँ ये हो रही है, वहाँ पे स्वर बिगड़ा हुआ था। आप चाहे सोने के ईंटें भी दान कर दोगे तो भी चवन्नी का लाभ नहीं मिलेगा, गाय को एक सूखी रोटी भी खिलाओगे सही स्वर में पूर्ण लाभ मिलेगा उसका, समझे कहाँ गलती है सबसे बड़ी। वो सुषुम्ना मतलब दोनों स्वर। आमतौर पर जब आप योगाभ्यास करते हो, आज सोचते हो आज थोड़ी मेहनत करने का मन है, आज तो मूड है थोड़ा, सूर्य स्वर को जागृत कर लो। मैं जैसे एक अम्मा थी, उनको जाता था सिखाने, 88 साल की थी वो, अभी भी होंगी उम्मीद रखता हूँ, अभी भी हों, क्योंकि 4-5 साल पहले की बात, उनके घर जाता था मैं, तो उनके बेटे ने बुलाया था मेरे को, उनका बेटा भी था उम्र काफ़ी उनकी, तो कभी बोलती हाँ कभी मन है कभी मन नहीं है, तो मैं जाके ना उनको रोज़ यही करता जो भी आपके साथ किया है, अभी आपको इधर झुकाया था राइट साइड में, उनको लेफ्ट साइड में झुका देता, लिटा देता, बेड पे ही करती थी वो सब कुछ, बेड पे लेफ्ट साइड में झुक जा लेटी रहती वो ऐसे करके। मैंने कहा अम्मा आप ऐसे लेट जाओ, करना कुछ भी नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं मत करो, लेटे रहो। 5 मिनट तक लेटा रखता, बोले चलो अब कुछ कर लेते हैं आए हो तो,
अभी जैसे अभी आपका मन बहुत विचलित था, अभी आपका चंद्र स्वर जागृत करके आपको शांत कर दिया, आपको पता नहीं चला उसका। ऐसे ही जो जिससे शारीरिक काम करवाना हो, परिश्रम करवाना हो, उसका सूर्य स्वर जागृत कर दिया बिना बताए उसको, क्या जरूरत बताने की? कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि तभी तो थोड़ी मेहनत होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो थोड़ा पसीना बहेगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, शरीर के विष जो हैं वो बाहर निकलेंगे। ये तो है देखो प्राण का कमाल, समझे? अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, एक आदमी ऐसा आ गया जिसको हम पसंद नहीं करते, या मैं पसंद नहीं करता, अरे भगवान कहाँ से आफत आ गई। अब जैसे ही मेरे को वो दिखेगा ना, पूरी शक्ति से श्वास को बाहर छोड़ देना है, पूरी ताकत लगा के छोड़ दो श्वास को बाहर। जब वो मेरे पास आएगा, हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, एक बार चुपके से दोबारा श्वास को बाहर। वो ऐसे कहता था आज तो शाम तक यहीं बैठूंगा, 5 मिनट में कोई ना कोई बहाना लगा के उसको भागना ही पड़ेगा। विश्वास मेरी बात का तब करना जब आपके प्रैक्टिकल हो जाए, आज ही कर लेना इसको कहीं जाके। अगर ऐसा कभी उल्टा हो, कोई आदमी आ गया जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ बैठे, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, लेकिन उसने कहा बस मेरे पास 5 मिनट टाइम, मैं तो सिर्फ राम राम करने आया था, ऐसे कहते ना कई लोग, बस 5 मिनट का टाइम है सिर्फ, आपने उल्टा करना है, उसको देखते ही सांस को भर लिया अंदर। अब दोबारा जब नज़दीक आया, आपसे नमस्ते की, हाथ मिलाया, गले मिले, जैसे भी आपका तरीका है, आपने एक बार दोबारा सांस खींच लिया। जितनी देर आप चाहते हैं उसको यहाँ बैठना ही पड़ेगा। वो कह रहा था कि 2 मिनट के लिए राम राम करने आए हो, पूरी राम कथा सुना के जाएगा आपको। ये प्राण का प्रभाव है। दो आपको एक्सपेरिमेंट बताए हैं जो आप डेली लाइफ में कर सकते हो, कोई जादू नहीं, कोई कलाकारी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं किसी के साथ, सिर्फ चम्मच और कांटे का फ़र्क, जो जिस जहाँ पे जिसको प्रयोग करना है वो प्रयोग किया हमने, कुछ कलाकारी नहीं की ना, धोखाधड़ी तो हमारे में दिमाग ही नहीं इतना, तो धोखाधड़ी करने तो कोई। जैसे एक मैंने कहानी सुनी है कि एक नोबेल प्राइज़ जो विनर थे ना जितने भी दुनिया के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी न्यूयॉर्क में, तो एक वैज्ञानिक पहुँचा। अब नोबेल प्राइज़ विनर तो था ही वो, लेकिन टैक्सी वाला उसको घुमाता रहा बहुत देर से, उसने पैसा ज़्यादा चार्ज कर लिया। तो जब वो पहुंचा वहाँ पे तो उसने बताया कि मेरे को तो लेट इसलिए हो गया क्योंकि टैक्सी वाले ने बहुत टाइम, ने बोले नहीं ये तो बहुत नज़दीक है जहाँ से आप आए हैं, तो बोले टैक्सी वाले ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। अरे अले आप नोबेल प्राइज़ विनर, इतने बुद्धिमान वैज्ञानिक, एक 2 कौड़ी का टैक्सी वाला आपको बेवकूफ़ बना गया। बोले मैं वैज्ञानिक तो हूँ, बुद्धिमान तो हूँ, लेकिन अपने काम में है ना, टैक्सी वाले की कलाकारियाँ टैक्सी वाला जाने, अब हम तो अपने काम के धुरंधर हैं, अब किसी ने कलाकारी करनी है वो कलाकारी करने वाला जाने, हमें कोई मतलब नहीं ना उसको। एक और आपको बात बताऊंगा स्वर के बारे में। जब आप ऐसे जाते हो ना कोई काम करने के लिए, कोई यात्रा पे गए, जैसे आप कहते हो अरे कुछ सफलता नहीं मिली, बहुत मन से गए थे कुछ काम करने के लिए, आप सब कुछ छोड़ो, आप ये भी सोच के जाओगे ना गंगा स्नान करने जा रहे हैं हरिद्वार, उससे भी आप बुझे हुए मन से लौटोगे वापस, क्योंकि जो ऊर्जा चाहिए थी वो ऊर्जा आप लेके ही नहीं गए, जिस ऊर्जा को आपके लिए होना चाहिए था वो ऊर्जा थी नहीं आपके पास। सफ़ेद खीर में कुछ मिलाना है, खीर में कुछ सफ़ेद मिलाते हैं ना जिससे वो मीठी हो जाती है, लेकिन आप सफ़ेद नमक मिला दोगे तो वो नहीं बात बनेगी ना। सही चीज़ वहाँ पे जो होनी ज़रूरी है ना, सही ऊर्जा वहाँ ज़रूरी है। दिखने में चीनी और नमक एक जैसा है, आप नमक डाल दो उसमें सफ़ेद ही तो है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है सफ़ेद चीनी उसमें डालनी है, सफ़ेद पढ़ लिया सफ़ेद याद रह गया, हरिद्वार जाके गंगा स्नान करना है ये याद रह गया, लेकिन किस ऊर्जा के साथ जाना है ये भूल गए। जब छोटी यात्रा के लिए जाएं, ध्यान रखना, जब छोटी यात्रा के लिए घर से निकलो तो सूर्य स्वर चाहिए, सूर्य की ऊर्जा चाहिए, ताकि तुरंत तीर की तरह काम करो और तीर की तरह सक्सेस होकर वापस आ जाओ। छोटी यात्रा मतलब एक नाइट का स्टे बाहर आपका, सुबह गए शाम को वापस आ गए, या एक दिन रुके वापस आ गए, कोई दुनिया में रोक नहीं सकता आपको सफल होने से,
चाहे किसी तरह की आपकी यात्रा हो। अगर लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, 2, 3, 5, 10, 20, 1 महीने दिन के लिए, इतने दिन के लिए लंबी यात्रा है, तो ऐसा प्रयास करें चंद्र स्वर जागृत हो, क्योंकि वो ऊर्जा अब हमारे को धीमे धीमे यूज़ करनी है, शक्ति को धीरे धीरे प्रयोग करना है। वीडियो वो अभी बना रहा है, वो उसको यूट्यूब पे डाल देंगे। चंद्र वायु कैसे ले? हाँ, चंद्र वायु कैसे ले? कैसे नहीं नहीं अभी तो आपने जब आप राइट साइड में झुके थे तो आप चंद्र स्वर को जागृत कर रहे थे। जो स्वर आपका ऊपर होगा, आप एक तरफ लेट जाओगे ना ऐसे, जो स्वर ऊपर है वो जागृत हो जाएगा 2 से 3 मिनट के बाद। एक और बात भी है बहुत ज़रूरी, बहुत प्रैक्टिकल है वो। जब आपको बहुत सिर में दर्द हो रहा हो, सब बहुत बुखार हो और बहुत शरीर अनकंफर्टेबल हो, बहुत बेचैनी हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्वर को बदल दो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो 5 मिनट सिर्फ। एक गोली भी खाओगे ना उसका भी असर इतनी जल्दी नहीं होगा। एक बार मैं ऐसे ही ना क्लास ले रहा था, तो ऐसे आप जैसे कोई बैठा हुआ था, वो बैठ गई करते करते, मैंने कहा क्या हुआ? बोले सिर में मेरे को माइग्रेन हो रहा है। मैंने कहा एक जादू, मैंने सबको बुला लिया 25-30 लोग, मैंने कहा आ जाओ एक जादू दिखाता हूँ। मैंने ऐसे उनके सिर में मुँह पे हाथ लगाया ऐसे और सिर को ऐसे झुका दिया, थोड़ी देर रोका, फिर सिर ठीक किया, सीधा किया। अब पूछा बताओ दर्द हो रहा है? बोले नहीं, ये तो जादू हो गया। मैंने यही किया उनके साथ, जब हाथ लगाया तो मेरे हाथ पे पता चल गया कौन सा स्वर जागृत है अभी, कहाँ चेंज करना है, उसके उल्टी तरफ घुमा के चेंज कर दिया तो ठीक हो गया। एक बार से ज़्यादा भी लग सकता है। अब जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, तो एक लड़की पढ़ती थी मेरे साथ, हम 7 बच्चे थे पहले साल में, लेकिन तीसरा साल आते आते 2 बच गए सिर्फ, एक वो और एक मैं। वो बहुत एक दिन बीमार थी, तो हमारी टीचर बोले कि कुछ बता इसको, अरे तू योगा करता है कुछ बता दे। मैं सोचूं क्या बताऊं, अब ऐसे कुछ योगा यूँ थोड़ी है कि फटाफट इंजेक्शन लगा के लगा दूँ। लेकिन स्वर विज्ञान याद आया, तब सिर झुका दिया उसका एक तरफ, फिर दोबारा झुका दिया, दोबारा झुका दिया, दोबारा झुका दिया, 5 मिनट में खड़ी हो गई बिल्कुल, 5 मिनट। हाँ बोलो। ऐसे चक्कर लो हाथ लगा के। आपने ये पूछा ना, हमें पता कैसे चलेगा हमारा कौन सा स्वर जागृत है? हाथ लगा के पता कर लो। हाँ, दोनों ये सुषुम्ना जागृत है अभी, ये भक्ति का, ध्यान का, भजन कीर्तन का समय है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं करना जब दोनों स्वर, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया आपने, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए चले गए, आपका असफल होना निश्चित है अगर दोनों स्वर जागृत हैं तो। कोई बड़ी बिजनेस डील करे आए, कोई लेन देन व्यापार के में करे आए, दोनों स्वर जागृत हैं तो सफल कभी नहीं हो सकते आप उसमें। एक एक करके सफलता के लिए सूर्य और चंद्र दोनों हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना आप किस तरह का काम कर रहे हैं। आप जैसे कोई सर्विस, मेरे को पूछा किसने, कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, जैसे किसी का सलून है या ब्यूटी पार्लर है या खाना बनाने का काम है, अब उनको चंद्र स्वर जागृत करना पड़ेगा, चंद्र स्वर, ताकि अब जो आपको सर्व कर रहा है जो आदमी, उसको तो आपसे, आपको पोलाइट होना पड़ेगा ना आपके लिए, तब आप कहोगे हाँ नहीं यहाँ सर्विस बहुत अच्छी थी, ऐसा है ना। ये 2 बातें हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए, मैंने बोला इंटरव्यू के लिए तो मैंने बताया अभी कि राइट स्वर। एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे ट्रेडिशन है ना, कि हम जब बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम के लिए तो क्या खिलाते हो आप उनको? क्यों क्यों पता नहीं सर, ये मतलब सदियों से सुनते आए हैं। अरे खोल रहा हूँ, राज सदियों के राज खोलने के लिए तो बैठा हूँ। दही खिलाते ही शरीर शांत नहीं हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्या है?
हमने चंद्र को जागृत करना है वहाँ एग्जाम में जरूर तुम्हारे को चंद्र, अगर सूर्य जागृत कर दिया वहाँ पे सब बच्चे बैठे हैं वो पर्चा दे के आ जाएगा, कहेगा मेरा हो गया, वो सूर्य था, वो सूर्य जागृत था, पर्चा फटाफट दे के आ गया सबसे पहले नंबर पे, फिर बाहर आके पता चलता है अरे ये तो भूल गया, ये भी भूल गया लिखना, ये भूल गया लिखना, वो सूर्य था। चंद्र स्वर शांत होके, एग्जाम देना है ना, इम्पोर्टेंट काम है कुछ, शांत होके बैठेगा, समझेगा, पढ़ेगा, तब लिखेगा उसको। हाँ बोलिए आप। नहीं आप आपस में बात ना करो, अब देखो बहुत लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं इस बात, मैं डांट देता हूँ आपस में बात करने पे। अब मैं जैसे लोग आते हैं ना तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे, आप जानते हो दूसरे को, बोले हाँ अच्छे से जानते हैं, चलो आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, वो बहुत खुश होकर बताते हैं हाँ जानते हैं हम तो, चलो आप खड़े हो जाओ फिर यहाँ आ जाओ, क्योंकि जब मेरे को परेशान करते रहोगे आप पूरे। आप अगली बार करना, मेरे पास ऐसे एक भी ब्रिटिश आए हुए मेरे स्टूडेंट, उसके 3 बच्चे हैं, उसको मैंने सिखाया है, वो कहती है तो मेरे बच्चे जब भी लड़ते हैं ना आपस में तो उनको मैं ऐसे ही डाल दूँगी सब शांत हो जाएंगे, वो कहते हैं मम्मी बने मम्मी क्या करती है बच्चे तो मम्मी जाओ तुम्हारा लड़का बाद में जरूरी फोन करना फोन चाहिए कैसे तुम बोलते ना बच्चे जिससे मेरे को बोला ऐसे ऐसे बोला मैं तो लेट हो जाए फिर बात करेंगे बस लेकिन बात बात ही करती करनी अभी क्या हुआ भक्ति के लिए, भाव के लिए, गुरुदर्शन के लिए, दान पुण्य के लिए, धार्मिक
कार्यों के लिए, संध्या हवन करने के लिए, मंदिर जाने के लिए कोई भी ताकत शक्ति का प्रयोग का काम नहीं करता उस समय। जब सूर्य सुषुम्ना स्वर चल रहा है सब काम रोक दो, तब वो प्रकृति की बात को सुनो, बॉडी लैंग्वेज को पहचानो, अपनी प्रकृति आदेश दे रही है कुछ मत करो, कुछ मत करो। बच्चे को भी आप डांट देते हो ना, बच्चा लाख कहता है कि मैंने आइसक्रीम खाई, आप कहते नहीं मैंने मेरा खा, बच्चा रो दे लेट जाए आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि आदेश है, आपको पता है उसके बारे में जाना, बच्चा आपकी बात को फिर वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपको प्रकृति आदेश दे रही है लेकिन आपको अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब पता लग गया, अब पता चल गया था आपको, थोड़ा बहुत दर्शन हो गया। कई लोगों के साथ ये समस्या है, देखो उनका सवाल ये है कि ज्यादातर इनको सुषुम्ना मतलब कि दोनों स्वर जागृत रहते हैं, तो ये तो नेचुरली भक्त है, तो मीरा भाई के साथ हो गया ऐसा नहीं मानना, वैसे भी आदेश समझो कि आप इतने ज्यादा काम पाठ दान करने चालाकी करने के लिए नहीं हो, हर आदमी का अलग काम है ना, एक प्रकृति के आदेश को प्रकृति के एक संदेश को भी ढूंढने को समझना पड़ेगा, वो कैसे आदेश मिल रहा है, किस किस कोड होता है ना, कोड है उसको डीकोड करना पड़ता है, करते हैं ना उसको। आप खजुराहो में जैसे मेरे दोस्त आए थे खजुराहो, वहाँ पे वो बड़ी हुई है, लेकिन वो क्या है हमारी हिंदू संस्कृति में सनातन संस्कृति में एक बहुत फेमस एक ट्रेडिशन रहा है, हमारी परंपरा है ज्ञान को गुप्त रखने की, हम कलर में नहीं बताते ना सबको सबको, तो उन्होंने ऐसी सेक्सुअल इमेजेस बना दी, आप जाके वहाँ पे फोटो खींच के खींचते रहो, लेकिन उन्होंने जो बताया था उसकी चाबी लगा नहीं पाऊंगा आपको, आप उसको डीकोड तो करो, वो तो कोड है वहाँ पे, आप तो ये सोच रहे हो कि उस टाइम पे क्या करते थे वो, आप वहाँ तक ध्यान रखो ही दिखाओगे तो कोड में क्या कुछ बात कह के चलेगा, कि कोई विदर्भी उसको पता लगा पाए किसी विदर्भी के आपके क्या पता लगे, ये परंपरा हमारी पुरानी है। आज भी मैंने जो आपको बातें बताई वो तो आम बातें बता दी, अब मैंने बोला जैसे इसको यूट्यूब पर डाल देंगे तो सबको सुन लेंगे उसको, लेकिन जब मेरे को आप किसी को लगेगा कोई ऐसा आदमी है जो इस साधना में आगे बढ़ना चाहता है, थोड़ा उसको ज़्यादा उसके आगे बढ़ते होते हैं उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा बताएंगे कि अपने है, क्योंकि अभी आपने अनेक बातें ऐसी पूछी इसमें परसेंट परसेंट डिपेंड करता है, ऐसे नहीं मैं आपको सबको बोलूँ कि रोटी खा लो, सबको बोलूँ कि चावल खा लो, सबको बोलूँ कि घी खा लो, हो सकता है कोई उसको पसंद करेगा कोई उसको पसंद नहीं करेगा, ऐसा होगा। तो हमारे मन के साथ हमारी हमारी कनेक्टिविटी के साथ बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा भी आपने अनेक बार सुना होगा, कोई एक आदमी घर का एक आदमी एक गमले में पानी डालता है वो तो चिंता है, वो आदमी कहीं चल जाता है तीन चार दिन में पानी चल रहा है वो सूख जा रहा है, एनर्जी मैच की बात है, एनर्जी मैच के लिए जब से उसको कनेक्शन तोड़ेंगे क्या सर, क्या
आप सुन लो कि आपके लिए वो चीज जरूरी ही नहीं थी कि आप भेंट हो गए। जब आप अपना उसको समझ लोगे कि एक किताब पढ़नी है मेरे लिए कितनी जरूरी है, सारी दुनिया के काम खत्म करके आप कुछ पढ़ोगे, अभी तो आप चार काम छोड़ के आई हो ना, कोई आप बेकाम की तो हो नहीं, उसका कुछ काम कर लिया आप कर सवाल ये है कि मैंने लेफ्ट राइट बताया, ईड़ा पुड़ा बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि श्वास आ रही है कि नहीं आ रही है, तो क्या करें, क्या है वो स्थिति, क्या है वो स्थिति, ऐसी कि जैसे आप सो जाते हो, आपको नहीं पता ना सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ पता नहीं करते हो, सांस की पता नहीं चलता, लेकिन जिंदा आप तब भी रहते हो ना, एक
अपने श्वास को बाहर निकाल पाए। जब आप इतना अभ्यास कर लेंगे आपके नाक में ही जा होगी, तब तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास नाक से जा रही है, श्वास को रोक दोगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे। जब आपका सब कुछ हमारे जागृत हो जाएगा, आप वहाँ जाकर जो भी कामना करोगे वो पूरी होगी। आज जाके आपने ये बात कर ली है कि मन खुश रहे, मन मेरा प्रसन्न रहे और मेरा प्रसन्न रहे, इससे आसान विधि को दुनिया में खोज के ले आना उनका जो होता है जो फायदा पहुँच कर दिया वो ये है। आपकी इच्छाएं कितनी है, सबको इच्छाएं है, सबको है, कौन ऐसा है जिसको इच्छा ना हो, कौन ऐसा आदमी है जिसको इच्छा नहीं हो, आप जितना हो नहीं तो बिना इच्छा के श्वास कैसे आ रही है, एक श्वास जाती है दूसरी आती है, बिना इच्छा क्यों रहे क्या, एक कदम बढ़ते हो आप चलते हो, एक कदम आगे जा रहा है दूसरा उसको फॉलो कर रहा है, बिना इच्छा क्यों रहे, इच्छा तो है ना, एग्रेशन है वहाँ पे तभी तो आप चल रहे हो, एग्रेशन है तभी तो श्वास गुजर रही है, इच्छा तो होगी उसको छोड़ो कोई अलग चल रहे मिक्स वाल करो, लेकिन आपको जो अभ्यास बताया उसको करो, आप अभ्यास को करो बिना दो बिना तब बात करते हैं, अभी तो आपने कुछ सुन लो आपको जरूर भी नहीं, तो क्या बात है, आपको मालूम है जबरदस्ती उसको प्रूव भी करवा दूँ तो उसका लाभ ज़्यादा मिला, जब तक आपकी अनुभव हो जाएगी उसको अभ्यास को करो, आप पास को बाहर निकाल के रखो और आप मन में ऐसी कामना करो कि मुझे पसंद आएगा, दादी टाइम बोलेगी ना हमारे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मुझे लगता है कि हिम्मत नहीं कर रही है।
देखो जो बेस्ट रिलेशनशिप है ना तो वो है प्रमोशन के लिए, क्योंकि जो भी रिश्ते आपने आज तक बनाए हैं आज तक वो सब प्रमोशन है ना। पशु की गुरु से सब बताती है जो आपने बनाए भाई बहन माता पिता सब उनके लिए है लेकिन एक रिश्ता वो बनाने में सक्षम नहीं है, गुरु बोलने में सक्षम नहीं है। जानवर कुछ सीख भी जाता है पर एक दूसरे से भी सीख जाता है। तो सही मायने में आप मनुष्य ही नहीं हुए अगर आपने गुरु को नहीं पूछा। मनुष्य होना तो शरीर मनुष्य का होना कपड़ा पहनना ये तो नहीं ना, खुद से करना पड़ेगा ना आपको करने के लिए। वो गुरु का दर्शन देखो आप दोनों हो, मैं दिखता हूं पुरुष के जैसे लेकिन किसी भी है नहीं दिखता, कोई किसी जैसा दिखता है लेकिन उसके अंदर पुरुष भाव भी है। जब तो गुस्सा आता है तो जब लोग चढ़ाई करने का मन करता है जब कोई हमारी बदल उठा के सका दे तो पुरुष जैसी शक्ति आ जाती है, तो पुरुष अंदर तक जाती है। मेरा जब मन प्यार से भर जाता है तो बात से रोना आ जाता है, मेरा अस्तित्व जा गया। जैसे बुद्ध थे ना, जो बुद्ध की शिक्षा जब कई सालों सौ सालों बाद तीन पहुंची, क्योंकि बुद्ध के जो प्रचारक थे तीन तक पहुंचे, उसको वहां एक राजा ने वो पढ़ा उनका ग्रंथ, इतना सुंदर बात को इतनी सुंदर बात को कोई पुरुष कह नहीं सकता, क्योंकि 2000 साल पहले पुरुष तो बहुत बिजी था लड़ाई झगड़े में युद्ध करने में एक दूसरे को मारने काटने में, प्रेम का संदेश तो पुरुष से आ ही नहीं सकता उन्होंने। तो बुद्ध की जो उन्होंने प्रतिमा बनाई ना वो फीमेल है, फीमेल को बनाया पहले जो उसका नाम है क्वान यिन, उसका मंदिर है आज भी कहती है फीमेल ही है वो। तो आपके अंदर ही कोई छुपा हुआ है, आप किसको आप अपने जैसे में जिंदगी की जिंदगी बात की लगभग लगभग वो रिलेटेड है। तो आप जब उसको आप जान पाओगे खुद का मतलब आप जान पाओगे कि मेरा होना इस शरीर से ही आ गया है, नाम है स्त्री हो नाम है। जब आप हाथ बंद करते हो कहाँ रह जाता है जाके।